हमने कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ा, जिसमें जो है आपके पास डिफरेंट तरह की न्यू लेयर्स हमने देखी थी, कॉन्वोल्यूशन मैक्स पूलिंग की लेयर, और हमने देखा था कि ये कैसे काम करती हैं। और अगर हम जो है किसी कॉन्वोल्यूशनल लेयर के आउटपुट को विजुलाइज करना चाहें, हमने वो भी करके देखा था कि उसका आउटपुट जो है एक इमेज आ रही थी किसी फिल्टर की, फिल्टर से प्रोसेस होने के बाद इमेज जो है क्या कन्वर्ट हो रही है, क्या बन जा रही है इमेज, हमने ये देखा था विजुलाइज करके। अब एक चीज़ और हम कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि जो फिल्टर्स हैं वो कब मैक्सिमली रिस्पॉन्सिव होते हैं, यानी वो किस इनपुट पे सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स देते हैं, ये हमने करना है। और इसके लिए हम ग्रेडियंट एसेंट यूज़ करेंगे। हमने कैलकुलस से ये बात हमें पता है कि हमारे पास कोई भी फंक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू उस वक्त होती है जब उसका डेरिवेटिव 0 हो। तो हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट एसेंट इस्तेमाल करेंगे। पहले हमने ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ा था, ग्रेडियंट डिसेंट में हम क्या करते थे, डेरिवेटिव को 0 करते थे मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। यहाँ पे हम डेरिवेटिव को 1 करेंगे, 0 ही करेंगे मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए। किसकी मैक्सिमम वैल्यू, हमें अपने फिल्टर के आउटपुट को मैक्सिमम करना है बेस्ड ऑन इनपुट। तो यहाँ पे हमारा एक्स जो है जिसके ऊपर हमने डिपेंड करना है वो इनपुट है। इनपुट की बेस के ऊपर हमने अपने फिल्टर के आउटपुट को मैक्सिमाइज करना है। हमने अपने इनपुट की बेस के ऊपर अपने फिल्टर की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है। तो इसका तरीका क्या होगा, इसका तरीका कुछ इस तरीके से होगा, मैं आपको कोड दिखाता हूँ। हमने कहा कि हम पहले इमेज नेट के वेट्स लेंगे और वीजीजी मॉडल पे हम ये काम करके देखते हैं। वीजीजी मॉडल को हमने जो है बनाया और हमने कहा कि उसकी ब्लॉक 3 की कॉन्वोल्यूशन लेयर को विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। वीजीजी मॉडल में बहुत सारे कॉन्वोल्यूशन ब्लॉक्स होंगे, हमने बोला किसी एक को पकड़ लेते हैं और उसका फिल्टर नंबर 1 को जो है हम क्या करते हैं, विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि वो कौन वो इमेज मालूम करते हैं जिस पे ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होता है, वो कौन सी इमेज है जिस पे वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होता है। तो इसका तरीका ये होगा, हम एक रैंडम इमेज बनाएंगे हम एक रैंडम इमेज बनाएंगे और उसका डेरिवेटिव निकालेंगे फिल्टर के आउटपुट का, फिल्टर के आउटपुट का डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू दैट रैंडम इमेज। रैंडम इमेज के मुकाबले में फिल्टर का आउटपुट क्या आ रहा है, जो भी फिल्टर का आउटपुट आ रहा है डेरिवेटिव निकालने के बाद उसके हिसाब से इमेज को एडजस्ट करेंगे। इमेज को एडजस्ट करा, फिर दोबारा जो है वो इमेज पास कर देंगे, उसका दोबारा उसके हिसाब से आउटपुट का डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर इमेज को एडजस्ट करेंगे, ये प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे। तो हमारे पास मॉडल है, हमने मॉडल से जो है लेयर पकड़ी, लेयर से जो है हमने फिल्टर का आउटपुट निकाला। ठीक है, पहले हमने जो है मॉडल से लेयर उठाया गेट लेयर कॉल करके, और उस लेयर में बहुत सारे फिल्टर्स होंगे, एक स्पेसिफिक फिल्टर का आउटपुट निकाला हमने इंडेक्स करके और उसका मीन भी निकाल लिया। यहाँ पे हमने कीरास की बैकएंड लाइब्रेरी इस्तेमाल की है। कीरास की बैकएंड लाइब्रेरी के थ्रू जो है हम बहुत सारे लो लेवल काम कर सकते हैं, हम डेरिवेटिव या ग्रेडियंट खुद निकाल सकते हैं, हम ग्रेडियंट डिसेंट का प्रोसेस खुद अप्लाई कर सकते हैं और बहुत सारे काम हम खुद कर सकते हैं।
अच्छा यहाँ पे ये याद रखिएगा, जब हम बैकएंड यूज करते हैं तो पहले हम ग्राफ डिफाइन करते हैं, हम सारी चीजें पहले डिफाइन करते हैं। ये चलेगा उस वक्त जब हम आइट्रेट कॉल करेंगे। अभी देखते हैं आइट्रेट नीचे आ रहा है, तो पहले हमने लॉस का फंक्शन डिफाइन किया। यहाँ पे मीन कैलकुलेट नहीं होगा बल्कि अभी डिफाइन हुआ है सिर्फ, कि मीन इस तरीके से निकलेगा। इसी तरीके से डेरिवेटिव निकाल रहे हैं हम। डेरिवेटिव और ग्रेडियंट एक ही बात है अभी, ठीक है? अभी परेशान ना हो, मैं फर्क तो होता है थोड़ा, लेकिन जो है अभी यहाँ पे समझे एक ही बात है। तो यहाँ पे ग्रेडियंट निकाला हमने लॉस का विद रिस्पेक्ट टू इनपुट, इनपुट के हिसाब से हमने डेरिवेटिव निकाल लिया। और डेरिवेटिव को हमने नॉर्मलाइज भी कर दिया, उसके मॉड से जो है ग्रेडियंट जो है, ग्रेडियंट में बहुत सारे पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं। ग्रेडियंट जो है ना, तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, हर कंपोनेंट का स्क्वायर करके ऐड करके फिर स्क्वायर रूट निकाल लो तो ये मॉड निकलेगा, उसको डिवाइड कर दो तो नॉर्मलाइज हो गया। और साथ में हमने जो है उसमें, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं तो अगर मॉड जीरो हो तो वो इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने उसमें एक छोटा सा नंबर भी ऐड कर दिया, 10^-5। फिर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, इस फंक्शन को आप इनपुट दोगे तो ये दो चीज़ें रिटर्न करेगा, लॉस और ग्रेडियंट। लेकिन कैसे रिटर्न करेगा? इनपुट दोगे, इनपुट की बेस पे लॉस कैलकुलेट करने जाएगा, तो लॉस को हमने डिफाइन किया है यहाँ पर, ठीक है? तो लॉस इस तरीके से कैलकुलेट करेगा, डेरिवेटिव डिफाइन किया हमने यहाँ पे, डेरिवेटिव इस तरीके से कैलकुलेट करेगा, तो इनपुट की बेस पे ये काम करेगा। अब हम अपना असल कोड देखते हैं, ग्रेडियंट डिसेंट का कोड। हमने एक फंक्शन डिफाइन किया आइट्रेट का, ये फंक्शन क्या करेगा? जब हम फंक्शन कॉल करेंगे तो ये कॉल होगा, ठीक है ना? उसके बाद जो ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट होंगी। फंक्शन डिफाइन किया हमने, ये फंक्शन क्या कर रहा है? इनपुट ले रहा है और उसकी बेस पे लॉस और डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहा है। एक रैंडम हमने जो है इमेज ली, रैंडम इमेज बनाई है 128 के अराउंड। जब भी हमने इसमें 128 प्लस कर दिया ताकि एवरेज ब्राइटनेस से स्टार्ट करें, जीरो पे पूरी ब्लैक इमेज होती, 255 पे पूरी वाइट इमेज होती। हमने सेंटर वैल्यू ली है और उससे 20 ऊपर, तकरीबन 20, 128 से लेके 148 तक की वैल्यूज होंगी इसमें, रैंडम वैल्यूज हुई। हमने 40 बार लूप चलाया और हर बार क्या किया, हमने आइट्रेट कराया है, ये फंक्शन कॉल करा है। ये फंक्शन कॉल क्या करेगा, कॉल होने के बाद हमें दो चीज़ें रिटर्न करेगा, नया लॉस और डेरिवेटिव ग्रेडियंट। ग्रेडियंट डिसेंट में हम क्या करते हैं, जो भी डेरिवेटिव आता है उसके हिसाब से वेट्स को एडजस्ट करते हैं, क्योंकि हमें जो है कोशिश ये करना है कि वेट्स को ऑप्टिमाइज करें। यहाँ पे हमें ऑप्टिमाइज करना है इनपुट को, तो हम इनपुट इमेज को जो है चेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव। और स्टेप जो है लर्निंग रेट है आपका, तो ये 40 दफा चलेगा तो आपकी इमेज जो है मॉडिफाई होगी हर बार। क्या करेगा, इमेज जो है उसको पास करेगा, फिल्टर का आउटपुट निकालेगा, उसका डेरिवेटिव निकालेगा, डेरिवेटिव निकाल के इमेज को एडजस्ट करेगा, फिर दोबारा पास करेगा, आउटपुट निकलेगा, उसके हिसाब से डेरिवेटिव निकलेगा, डेरिवेटिव के हिसाब से इमेज को फिर एडजस्ट किया जाएगा। तो इस तरीके से ये 40 बार चलेगा, इमेज को चेंज करता जाएगा, ठीक है? तो हमारे पास, क्योंकि हमें पता है कि जब डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा तो इमेज की वैल्यू मैक्सिमम होगी, इमेज की जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू पे आउटपुट मैक्सिमम आएगा फिल्टर का। फिर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, असल में जब ये तमाम कैलकुलेशंस होंगी तो हो सकता है वैल्यू 255 से बाहर निकल जाए, तो हमने उसको क्लिप करके 255 के अंदर लेकर आना है। नॉर्मलाइज भी किया हमने, नॉर्मलाइज करने के बाद 0.5 लाया से प्लस किया ताकि जो है ये
राउंड ऑफ हो सके और नेगेटिव वैल्यूज को खत्म करने के लिए प्लस 0.5 किया। इनपुट को डी प्रोसेस करने के बाद इसको प्लॉट करा दिया हमने, तो आप देखें ये इस तरह का फिल्टर आ रहा है हमारा। इस फिल्टर पे जो है यानी इस तरह के पैटर्न अगर इमेज के अंदर होगा तो फिल्टर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। अब इसको इस्तेमाल करेंगे हम डीप ड्रीम के अंदर इंशाल्लाह। आप देखिएगा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, किसी एक फिल्टर के आउटपुट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। डीप ड्रीम में हम क्या करेंगे, तमाम फिल्टर्स के आउटपुट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। तो जब हर फिल्टर का आउटपुट मैक्सिमाइज होगा तो इमेज जो है आप सोच सकते हैं इमेज के मुख्तलिफ पोर्शंस जो हैं वो मैक्सिमम एक्टिवेशन पर होंगे, तो इमेज ऐसी लगेगी जैसे हेलुकिनेशन होती है। हेलुकिनेशन का मतलब है जैसे आप जागती आंखों से कोई ख्वाब देख रहे हो, आप ऐसी चीज़ नज़र आएगी आपको जैसे इंसान जो है बाज़ औक़ात जो नफ्सियाती लोग होते हैं उन नफ्सियाती मरीज़ होते हैं तो उनको जो है हेलुकिनेशन हो जाता है, उनको जो है जागते हुए भी जो है चीज़ें नज़र आ रही होती हैं।